रेडियो नोएडा लोकमंच पर अब पेश है आज की कहानी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है नया दौर। आज हमारे स्टूडियो में हैं खास पार्टी के प्रमुख नेता रतनलाल जी और उनका इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे संवाददाता के रघुवंश। नमस्कार रतनलाल जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नेता रतनलाल जी, आप जनता को अपना परिचय दें। परिचय की क्या आवश्यकता है रतनलाल जी, हम इतने बड़े नेता हैं खास पार्टी के, सभी लोग हमें जानते हैं। क्या आप शुरू से ही वरिष्ठ नेता हैं या नीचे की भी कुछ जिम्मेदारियों में रहे हैं रतनलाल जी? अरे, हम पार्टी में शुरू से ही वरिष्ठ हैं। कहते हैं रतनलाल जी, कम उम्र में अपना बहुत बड़ा विकास कर लिया है। हाँ, हमने 2 भट्टे और 3 पेट्रोल पंप लगाए हैं, तो इसमें बुराई ही क्या है? देश के हर एक नागरिक को अपना विकास करना ही चाहिए, इससे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला। सुना है रतनलाल जी, आपने रोजगार के नाम पर क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवक से मोटे पैसे ऐंठे हैं। सरासर झूठ है ये विरोधियों की फैलाई हुई झूठी अफवाहें हैं। उल्टे हमने तो तमाम पैसा खर्च किया है, पार्टी के भी कई महीनों से सेवा की हमने लगातार। पार्टी की कई महीने कैसे सेवा की आपने रतनलाल जी? पार्टी कार्यालय में ऊपर के नेताओं से मिलने में एडी चोटी के जोर लगाने पड़ते हैं रतनलाल जी। कई नेताओं को 50,000 रुपये के गिफ्ट भी देने पड़ते हैं। कई ऐसे नेताओं की भी सेवा करनी पड़ती है जिनकी टिकट दिलाने में कोई भूमिका नहीं होती, उनकी क्यों सेवा करनी पड़ती है? हम ये जानते हैं कि टिकट दिलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है रघुवंशी, पर वे टिकट कटा अवश्य सकते हैं हमारी हाईकमान से उल्टी सीधी बुराई करके। 15 प्रत्याशी थे हम एक ही पार्टी के टिकट की दौड़ में। हाईकमान से सभी को निर्देश दिए आते थे कि क्षेत्र में काम करो, जाओ क्षेत्र में काम करो। हमारा एक पांव क्षेत्र में तो दूसरा पांव पार्टी कार्यालय में होता था। टिकट तो सिर्फ एक को ही मिलता था, बाकी जिन्हें टिकट नहीं मिलता था उन्हें निर्देश दिया जाता था कि टिकट तारीख नेता को चुनाव लड़ाएं, पैसा अपना खर्च करते और चुनाव दूसरे टिकटधारी नेता को लड़ाते, और नहीं तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिए जाने का भय बना रहता था। आप पर यह भी आरोप है रतनलाल जी कि आपने पटवारियों की भर्ती के दौरान 2-2 लाख रुपए बेरोजगार नवयुवकों से लिए। 2-2 नहीं, 2.25 लाख रुपए, और जिनकी नौकरी नहीं लग पाई उन्हें 25,000 रुपए खर्चे के काट कर बाकी हमने वापस कर दिए थे। अर्थात आपने अपात्र लोगों की नौकरी के लिए अपनी ही सरकार के अधिकारियों एवं नेताओं को घुस दी और उनकी नौकरी लगवाई रतनलाल जी? नहीं रघुवंशी, हमने कोई अपात्र लोगों की नौकरी नहीं लगवाई। वर्तमान सरकार में कोई पैसे ले देकर नौकरी लगवा सकता है क्या? 300 वैकेंसी थी, जिनका नंबर स्वयं आया हमने उनके पैसे रख लिए, बाकी लोगों के खर्च काट कर बकाया वापस कर दिए। भोले भाले लोगों से इस प्रकार पैसे ऐंठना क्या यह जुर्म नहीं है रतनलाल जी? ओ भोले भाले लोग, कौन से भोले भाले लोग? हम आम में मुट्ठी भर बचे हैं जो। टिकट मिलने के बाद जब चुनाव में हमें जरूरत हुई तो हमारे मैनेजर ने क्षेत्र के निकटवर्ती कार धारकों से कार टैक्सी के रूप में हायर की। 70% कार वाले अपनी हाजिरी कई पार्टियों के कार्यालय में दर्ज करा रहे थे, कई अन्य पार्टी से भी खाने पीने का खर्चा ले रहे थे और सूचना लीक करने का खर्चा अलग लेते थे। पर इसमें वोटर्स का क्या कसूर है रतनलाल जी? जी हाँ रघुवंशी, अब वोटर्स की भी जान लीजिए। मैं यह नहीं कहता कि सभी वोटर्स बेईमान हैं, पर यह अवश्य कह रहा हूं कि ऐसे वोटर्स की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जो कई दलों के प्रत्याशियों से धन व शराब लेकर हर एक को वोट देने का आश्वासन देते हैं। जो भी प्रत्याशी उनके दरवाजे पर आता है उसी की जिंदाबाद जिंदाबाद कर देते हैं। अंतिम समय तक वोटर्स के मिजाज को प्रत्याशी समझ नहीं पाते हैं, और जो समझ जाते हैं वही विजेता होते हैं। वक्त है रघुवंश जी, हर एक अपने वक्त पर वसूल रहा है और कोई मैं ब्याज वसूलता है। ये नया दौर है रघुवंश जी। आज एक डॉक्टर साहब विद्यालय में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने जब जाते हैं तो स्कूल प्रबंधन मोटी फीस उनसे वसूलता है,
और जब स्कूल के प्रिंसिपल मास्टर साहब इलाज के लिए अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से वही डॉक्टर उनसे मैं ब्याज वसूलता है, जांच और इलाज के नाम पर तमाम मोटा बिल बनाता है। इस नए दौर में मास्टर साहब न डॉक्टर साहब पर छोड़ते हैं और न डॉक्टर साहब मास्टर साहब पर छोड़ते हैं। और रही बात नेताओं की, तो नेता भी इसी सोसाइटी से ही आते हैं ना। यदि नेता ईमानदार चुनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत वोटर्स को पहले करनी होगी। बिल्कुल सही कहा रतनलाल जी, वोटर्स को पहल ज़रूर करनी होगी। और सुना है आपके बाबूजी की राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी अच्छी साख थी, उनकी छवि ईमानदार नेताओं में शुमार होती थी। ठीक सुना है आपने रघुवंश जी। और मैंने तो आप ही लोगों से सुना है कि एक बार दशहरा पर रामलीला का फीता काटने के लिए नगर से कमेटी के लोग उन्हें निमंत्रण देने आए थे। उन्होंने कहा था कि हम दशहरा वाले दिन 3 बजे आपको लेने आ जाएंगे, तो बाबूजी ने उनसे कह दिया था कि लेने मत आना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। आपको तो पता ही है मैंने सरकारी गाड़ी एवं सुरक्षा भी वापस कर दी है, मैं स्वयं की गाड़ी से ही क्षेत्र में आता जाता हूँ, खुद आ जाऊँगा मैं। और दशहरा वाले दिन जब बाबूजी घर से चले तो कुछ ही दूर पर उनकी गाड़ी में पंक्चर हो गया था। और कुछ देर बाद जब पहिया बदलने के उपरांत वह पुनः चले तो देखा कई कई किलोमीटर दूर तक बैरिकेटिंग लगा दिए गए थे, नाके बंद कर दिए गए थे, रूट डाइवर्ट कर दिए गए थे। बात करना तो दूर, सिपाहियों ने बाबूजी को पास तक फटकने भी नहीं दिया था। और मंच से लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही थी कि नेताजी को अचानक दिल्ली से फ़ोन आ गया है और उनको वहाँ जाना पड़ा है, और अब उनके अनुपस्थिति में फीता हींग वाले लाला छुन्नुमल काटेंगे। कि उस दिन कार्यक्रम की नाश्ता पानी एवं साज सज्जा की व्यवस्था उन्हीं के माध्यम से की गई थी। और बाबूजी ईमानदारी का चेहरा लिए घर की ओर वापस चले आए थे। अब हमारा समय समाप्त होता है। रतनलाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब महिपाल सिंह को अनुमति दें, अगले सप्ताह आज ही के दिन फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुन रहे थे आज की कहानी ओनली ऑन 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज़।